अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। डेथ सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज़ है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी होता है और इस सर्टिफिकेट में जो भी शख्स फौत हुआ है उसकी प्लेस ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ और उसकी जो रीज़न है वफात पाने की वो लिख के जारी कर दिया जाता है। और उसमें जो कुछ और अहम पार्टिकुलर शामिल होते हैं उसमें जो वफात पाने वाला शख्स है उसका शनाख्ती कार्ड, उसके शहर का इंदराज, उसके वफात पाने की जो वजह है वो, और उसके साथ साथ उसकी तारीख, नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये चीज़ें उसमें दे दी जाती हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट है ये एक बहुत अहम दस्तावेज़ है, ख़ासूसी तौर पर ये आपको दो तरह से फ़ायदा देती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो भी जब डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो जो फौत हो गया है शख्स उसके नाम पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वेदर मूवेबल और इमूवेबल उसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा, उसके शनाख्ती कार्ड को, उसके थाम इम्प्रेशन को किसी भी गैर कानूनी और गैर जो भी गैर कानूनी पर्पज़ है उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है जो कि वारिसान को जाता है कि जो भी एक शख्स जिसकी वफात हुई है उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसके वारिसान का हक है उसको हासिल करने के लिए ये डेथ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस वक्त तक डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप कैसे साबित करेंगे कि विरासत जो है वो क्रिएट हो चुकी है, आप किसी भी जिसका वफात जिसकी हुई है आप उसके कानूनी वारिस हैं और आप उसकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील बताऊंगी कि डेथ सर्टिफिकेट को हासिल करना जो है वो किस तरह से हासिल किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके लिए उसके इंदराज के लिए, किसी भी मतवफ़ी शख्स के वफात के इंदराज के लिए आपको अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में जाना पड़ेगा और डेफिनेटली कोई उसका खूनी रिश्तेदार या वारसान में से ही कोई शख्स होगा जो कि यूनियन काउंसिल में जाएगा। यूनियन काउंसिल में जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हैं वो आपको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म पे आप जो जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसकी मुकम्मल जो तफसील हैं वो आप उस यूनियन काउंसिल में भर देंगे। और उसकी तफसील भी मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें क्या चीज़ें आपने फिल करनी हैं और कि क्या उसके सेक्शंस हैं। सबसे पहले नाम, तारीख, दिन, शहर और उसकी मौत की वजह, और उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसके साथ जो नीचे है जो इत्तला देने वाला शख्स है उसकी भी तफसील का इंदराज करना ज़रूरी है। यानी जो एक शख्स के मरने की इत्तला दे रहा है उसका मरने वाले के साथ, वफात पाने वाले शख्स के साथ क्या रिश्ता है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, वो उसका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है जो फौत हुआ है, तो ये कौन है जो शख्स इत्तला दे रहा है। इसके साथ जो इत्तला देने वाला शख्स है वो फॉर्म के नीचे अपना थंब इम्प्रेशन लगाएगा और सिग्नेचर करेगा और यूनियन काउंसिल के दफ्तर में जमा करा देगा। इसकी बहुत मामूली सी फ़ीस है, 200 रुपये जो है वो फ़ीस आप यूनियन काउंसिल में अदा करेंगे और उसके बाद विद इन 1 वीक जो है आपको जो यूनियन काउंसिल है उससे डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी बहुत से लोगों ने मुझसे राबता किया जिनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, जिनके डिसीज्ड पर्सन का जिसके वो वारिस थे वो नहीं इंदराज हो सका था 7 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें जो है अगर मतलब 2 माह तक भी अगर इंदराज ना हो सके, क्योंकि जो इसका कानूनी टाइम पीरियड है वो 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने डिसीज्ड पर्सन का इंदराज कराना है, उसका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है।
अगर आप 2 माह के अंदर अंदर वफात सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल में से हासिल नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और सिविल कोर्ट में आपको जो है उसकी इंदराज कराना पड़ेगा। उसमें आपको जो मतवफ़ी के वारिस हैं, जो डिसीज पर्सन के लीगल हायर्स हैं, उनमें से कोई केस दायर कर सकता है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, और वो कोर्ट से सूट फॉर डिक्लेरेशन के ज़रिए यूनियन काउंसिल को पार्टी बना के उसमें जो डिसीज पर्सन है उसकी तमाम मौत की वजह, दिन, तारीख, शहर, ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट को साबित करने के बाद यूनियन काउंसिल से जो है वो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन को डिक्री कराने के बाद, कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि वारसान हमारे पास आते हैं और अपना जो भी डिसीज पर्सन है उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट, विरासतनामा या फिर गाड़ियों वगैरह के ट्रांसफ़र के लिए वो रब्ता करते हैं, लेकिन उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता। तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएं, और अगर 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है आपने यूनियन काउंसिल में वफात सर्टिफिकेट का इंदराज नहीं कराया, उसके लिए हसूल के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो 2 माह के बाद आपको सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन के ज़रिए जो है वो यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। कानूनी मामला से आगाह रहे, अपने हकूक़ को जाने, और किसी भी किस्म की लीगल इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पे राबता किया जा सकता है।